अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो यार, कल की वीडियो में हम मार्केट गए थे और कोई परचेजिंग नहीं की थी, तो आज इंशाल्लाह कोई ना कोई नया बर्ड लेके आएंगे, कोई ना कोई नया पेट लेके आएंगे। सबसे पहले अपने फिंचेस को दाना पानी डालते हैं, और रात को मैंने इनको इधर कवर कर दिया था। काफ़ी ज़्यादा भाई पूछे थे आपने वहाँ से केज को उठा के यहाँ पर क्यों शिफ्ट किया। तो यार, शिफ्ट करने की एक सबसे बड़ी वजह कि वहाँ पर दरवाज़ा था, और दरवाज़ा जो ही हम खोलते थे ठंडी हवा इनकी परिंदों को लगती थी। तो हमने कहा है कि हमारे बर्ड बीमार ना हो जाए। ये हमारे पास सीट थी, ये हमने अपने फिंचेस के आगे लगाई है, फिंचेस के केज के आगे, और एक ये हमारे पास शापर है, तो इसको भी फोल्ड करते हैं हम पर। ये माशाल्लाह से हमारी डव और हमारी फिंचेस सब आज़ाद हैं और खुशी खुशी जी रही हैं। यार, इनका ये डंडा गिर गया, शुक्र है इनको चोट नहीं लगी। ओए, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरो। चलो जी, ये भी लग गए। और यार, काफ़ी ज़्यादा भाई पूछ रहे हैं कि आपकी डव ने अभी तक अंडे नहीं दिए। तो डव को लाए हुए 2 दिन हुए हैं, अभी तक हमारी फिंचेस ने भी अंडे नहीं दिए। तो वो यहाँ पर मैंने रखी थी इनकी पानी वाली डबियाँ, ये हैं, इनको दाना पानी डालते हैं। मैं इनका ना रात को पानी गिरा देता हूँ, क्योंकि रात को पानी ठंडा हो जाता है, और हमारे सुबह उठने से पहले पहले ये लोग ठंडा ठंडा पानी पी लेती हैं। तो ये मैंने कहा बीमार हो जाएंगी, इसलिए मैं इनका रात को पानी गिरा देता हूँ। देखिए, डग हमारी प्यासी थी, पानी रखते साथ पीने के लिए आ गई है। मैं समझता था कि जो हमारा दाना है ना, ये फिंचेस ने खाया ही नहीं है, लेकिन वो अभी पता चला जब मैंने इसमें यूं किया। ये देखिए, उस टाइम इतना ज़्यादा दाना लग रहा था, और ये सारा छिलका है। और ये कोई अजीब किस्म का दाना है, पता नहीं कैसा है, ये सारे छिलके छिलके हैं। इधर एक और मसला हो गया, जो मैंने वायर बांध दी है ना, यहाँ पर बांध दिया, और जो इसकी दाने वाला पोर्ट है ये बाहर ही नहीं निकल रहा। तो अब क्या करेंगे, यहाँ से हम ये दाना उठाएंगे और इस बड़े केज से अंदर डाल देंगे। ये लो, तो डव को दाना पानी हो गया। अब अपने असील मुर्गे की तरफ जाते हैं और उसको दाना पानी डालते हैं। ये बेचारा बाहर ही देख रहा है, मेरे ख्याल में भूखा प्यासा है। पानी मैंने इसको डाला है, पी नहीं रहा, तो ये बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। थोड़ी देर इसको आज़ाद कर देते हैं। मैं कबूतर वाले जाल के वाले छत पर था, वहाँ से मैंने देखा है सिमा भाई आए, और साथ सिमा भाई की कहा लाती है कि आप नीचे आओ, कोई चीज़ ले जाए। ये गाय ना फॉल है, पौधे खराब करेगा, पौधे खराब करेगा, पौधे नहीं खराब होंगे। असी बहुत ज़्यादा लड़ाई करता है यार, उसने बहुत ज़्यादा मेहनत से लगाए हैं। है क्या, देखना देखना, उठ जाएगी, उठ जाएगी। गाय ना फॉल है, वाइट कलर की नज़र आ रही है, असील है वाइट। क्या है ये, वाइट असील है, ये गाय ना फॉल की क्रॉस में है। असील मुर्गे का एक साथी आ गया, लेकिन यार सीमा अब इसके पार देखो ना, वो कितनी प्यारी है, वैसे जिसने रखी थी सही संभाल के रखी हुई थी, वो मस्ती हो रही है। ये ब्रीड चिक्स निकलवाते हैं, फुल शायद वाइट आ जाए हमारे पास, हो सकता है, क्योंकि जो है ना ये वाइट कलर की है, और जो मुर्गा है ये ब्लैक से कलर का है। इनके अंदर की जगह भी बनानी पड़ेगी अभी यार, ये तो लड़ भी नहीं रही और ये क्रॉस भी नहीं हो रहे, ये ऐसे तो ब्रीड नहीं करेंगे। आओ जरा, वो ये जो नहीं पड़ी हुई इंटे, ये उठा कर लेके जाते हैं ना उधर, और इनका एक वो नेस्ट टाइप बनाते हैं। क्यों, ये टोकरी लगाते हैं जिसमें घास वगैरह जोड़ लेंगे। यार, ये हम कबूतरों का सेटअप बनाएंगे तो उसमें रखेंगे ना, उनके लिए रखी हुई है। नहीं नहीं, खैर एक एक से कुछ नहीं, कौन सी लगाएं, ये वाली, ये वाली, कोई भी ले आओ। ये एक छोटी, एक थोड़ी छोटी, एक बड़ी है, ये ले आओ, ये बड़ी वाली ले आओ। चलो बड़ी वाली ले आओ, लगानी किधर है, रखते हैं ना। घास पड़ोगे घर में, घास मिट्टी डाल दो इसके बीच में, वैसे भी खुश रहेंगे मिट्टी में, मिट्टी में नहीं होगा, सामने नहीं लगाओ यार, ऐसे जो भी हम आते हैं तो मुर्गी अंडा दे रही होगी, डर जाएगी, इधर रख दो, इधर इधर इस साइड पे, इस साइड पे, अंधेरे वाली जगह पे, क्योंकि मैंने सुना है जो मुर्गियां हैं अंधेरे वाली जगह पे ब्रीड करती हैं और खुश होती हैं। मिट्टी भी बराबर बराबर यार, नहीं करो, सारा गर्दा ओढ़ है, इसके अंदर हल्का हल्का पानी ना डालो, मुर्गा बाहर खा रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, वो फिर रहे हैं अंदर अपनी खुशी खुशी। हमारे जो फिंचेस है उन्होंने भी सारा नेस्ट तैयार कर लिया है, अनकरीब वो भी अंडा दे देंगी। ये ब्रीडिंग के लिए जगह भी बना दी है,
और यार ये मुर्गियाँ पकड़ेंगे कैसे? पकड़ी है, पकड़ी है। हमारा आदि हो गया घर का, इसको हल्का हल्का। ओए एक मिनट, दरवाजा खोला ही नहीं है। बाकी ना, वाह जी वाह। अच्छा दोस्तों, ये हमारा पेयर कंप्लीट हो गया, शुक्र है लड़ाई भी कोई नहीं की थी। ओए ओए, बस ये है कि थोड़ा तंग हो रही है, न्यू केज लेके मुर्गा भी हमारा काफ़ी तेज़ हो गया। पहले काफ़ी परेशान रहता था, अकेला था। ये इनका हमने नेस्टिंग के लिए जगह बना दी है, इसमें घास वगैरह मैं रख देता हूँ अभी। ये पानी के लिए लगा दिया है, मान पानी भी और डाल रहे हैं, लेकिन मुर्गी हमारे इधर ऊपर चली गई है। किधर चली गई? ऊपर चली गई है, भूखी है, भूखी है। देखना आई आई आई, दाना डालो उन्होंने, बस दाना पानी डाल दिया, दाना खाना स्टार्ट हो गया। बस ये लड़े नहीं है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और अपना हमारे जल्दी से आप 10K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करवाएं, और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ये चीज़ हम लेके आएंगे अपने सेटअप पे। उसे मेरा खर्चा करवाओगे? चलें 50-50 पैसे डाल देंगे, मैं भी 50, इसमें आप भी 50 और सी भी 50। लाएंगे क्या? बस बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। चलें, फिर भी मुझे तो बताओ, यूनिक चीज़ होगी। चलें देखते हैं। हाँ यूनिक ही है वो। अच्छा दोस्तों, आज तक व्लॉग इधर तक ही था। हमारे पास सील का पेयर कंप्लीट हो चुका है, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह ये एक दिन स्टार्ट करें। मेरा दिल कर रहा है कि इसके लिए मैं ना एक और फीमेल लेके आऊँ, तो अब बताएं कि इसके लिए एक फीमेल काफ़ी है, एक और फीमेल लेके आए। जैसे इसके साथ कितनी फीमेल रह रही थी? 3-4 रह रही, अगर लड़ने नहीं तो लड़ना स्टार्ट कर दें तो मुश्किल है। अभी आगे इसका जल्दी से ना ब्रीडिंग इनकी करवाते हैं, इनसे एग लिंग लेते हैं, इनकी एग लिंग स्टार्ट करें, फिर इनके लिए इंशाल्लाह हम हैच वगैरह करवाएंगे, इनसे हैच करवाएंगे। यार कल फिशेस ले जाते, कुछ ना कुछ करते हैं। और जल्दी से ब्लॉग को लाइक कर दें, कमेंट करें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो पेट्स वगैरह रखते हैं। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।